गाजीपुर से पंकज यादव पत्रकार के साथ में आनंद कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। वोट भी बढ़ाएंगे, भूख भी जताएंगे। आयोजक डॉक्टर संजय कनौजिया, भावी विधानसभा प्रत्याशी। मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय बहादुर यादव, पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष। विशिष्ट अतिथि गण मार्कंडे यादव, समाजवादी शिक्षक संघ। विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव उर्फ भानु निसार अंसारी, दशरथ यादव। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, शैलेंद्र यादव। संचालक जनार्दन यादव, रामकेश यादव। सेक्टर प्रभारी जकनिया मुन्नी वर्मा। बूथ प्रभारी भरत प्रजापति। बूथ प्रभारी सेक्टर शंभु, युवा नेता जनार्दन यादव। उपेंद्र कुशवाहा ब्लॉक अध्यक्ष, रामकिशन सोनकर। जिला पंचायत सदस्य प्रथम सादात साहब यादव, रामजी यादव, ललन राम आदि उपस्थित थे। नमस्कार, मैं हूं पंकज यादव, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो बूथ स्तर की समीक्षा की गई, मीटिंग की गई सादात ब्लॉक में, जिसके आयोजक रहे संजय कनौजी। आइए इसे जानते हैं, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था हमारे, मेरा नाम डॉक्टर संजय कनौजिया जी, विधानसभा जखनिया के भावी प्रत्याशी का आवेदक भी हूँ। और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे जो बूथ कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर पे लगे रहते हैं, उनका सम्मान करना था। उनका मैंने सम्मान किया बुला के, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ डॉक्टर विजय बहादुर जी का, उनका भी सम्मान किया गया। और मेन मकसद मेरा बूथ अध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों से था, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और कैसे वोट बढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा की गई, उसमें जो है ये गोष्ठी की गई, बूथ में कैसे हम लोग वोट बढ़ाएंगे, कैसे उसको जो मर गए उनको कैसे कटवाएंगे, इस सब बारे में उनको ढेर सारी चर्चा की गई उस बूथ लेवल पे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो है कि प्रदेश सचिव जी। सर, मैं डॉक्टर विजय बहादुर सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश। आज जैसे समाजवादी पार्टी की बूथ समीक्षा बैठक की गई थी सारा ब्लॉक की, तो इसमें उनके बूथ प्रभारी या सेक्टर प्रभारी में क्या संदेश था आपका? हम अपने कार्यकर्ताओं ला करके उनको बता रहे थे कि बूथ वोट बढ़ रहा है, उसको बढ़ाना है। वोट काटा जा रहा है, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार है, वोट काटने का प्रयास कर रही है, उसको बचाना है। उसकी समीक्षा से अपने कार्यकर्ताओं को बताया गया कैसे वोट बढ़ाना है, कैसे घटने से रोकना है, और कैसे संघर्ष करके बूथ पर वोट डालना है। ये सब सारी बातों पर विचार हुआ, विमर्श हुआ, अपने कार्यकर्ताओं से मिला गया, उनको सम्मानित किया गया, उनकी बातों को सुना गया। जी, जैसा कि आपके एक कार्यकर्ता ने कहा कि जब इलेक्शन आता है तभी जो है कि कार्यकर्ताओं की खोज होती है, बूथ प्रभारियों की खोज होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कार्यकर्ता साथी जो कहा है उसका अपना निजी विचार था, ऐसा नहीं है नया बूथ प्रभारी बना होगा, ऐसा नहीं। हम भी बूथ प्रभारी रहे, ऐसा नहीं। हमारी पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, सम्मान लोग करते हैं, विधायक घर तक जाते हैं, मंत्री घर तक जाता है बुलाने पर, ऐसा नहीं है। कुछ बातें रही होंगी, उसको बैठ करके आपस में समाप्त कर लिया जाएगा, तो उसकी बात सुन लिया जाएगा, कुछ समझ में होगा होगी तो, लेकिन ऐसी बहुतायत शिकायत नहीं। अभी जब चुनाव नज़दीक हैं तो इसमें आपकी चुनावी रणनीति क्या होगी? जैसे कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है प्रदेश सचिव विचार। हमको इस चुनाव में अपने बैकवर्ड भाई जगाने की जिम्मेदारी मिली, जो सो रहे भूल गए कि हमारा अधिकार क्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान में हमको क्या दिया है वो भूल गए। 1951 में बैकवर्ड आयोग बना, काका कालकर उसके 1953 काका कालकर उसके अध्यक्ष, और उन्होंने बैकवर्ड जातियों का अध्ययन किया। पूरे भारत में बहुत जातियां बैकवर्ड हैं। फिर 1978 में सरकार बनी, सम्मिश सरकार, फिर एक आयोग हम का बैकवर्ड आयोग बना, पिछड़ा वर्ग आयोग बना, जिसके संयोजक अध्यक्ष बनाया गया बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी बिहार के प्रमुख।
दो साल अध्ययन किए, करीब 3747 जातियां बैकवर्ड की जो उन्होंने चिन्हित किया और एक रिपोर्ट भेजा कि इतने लोगों का कल्याण तब होगा, इनका विकास तब होगा जब इनके साथ उनको कुछ आरक्षण दिया जाएगा, जो संविधान में जो व्यवस्था है उसको फिर दबा दिया जाएगा। 1989-90 में जीपी सिंह की सरकार में तो नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास यादव, रामविलास पासवान, देवीलाल, तमाम अजीत सिंह, तमाम नेता फिर आरक्षण के मुद्दे को उठाए और बीपी सिंह ने 1989-90 में इसको लागू किया। तो नारा लगा ये बैकवर्ड, जब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने तो नारा लगा कि राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर। जब उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया तो कुछ कतिपय लोगों ने क्या किया होगा, आप लोग बच्चे थे या सुने होंगे, उनको बहुत सी गालियां मिली, बहुत कुछ सुनने को मिला। 89 में 27% आरक्षण पूरे भारत में हम लोगों को मिला है और वह आरक्षण पा करके आज प्रफुल्लित हो रहे हैं, उस आरक्षण से बहुत विकास हो रहा है। मेहनत की हमारे बैकवर्ड भाई, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई आई एस बना, कोई एक्ट्रेस बना, लेकिन उस आरक्षण फिर भारतीय जनता पार्टी को उसी समय रोकने का काम कर रही थी। जब मंडल आयोग जब हमको सिफारिश किया, हमको मिला 27%, तो उन लोगों ने कमंडल निकाल दिया, कमंडल लेकर के चल दिए राम लला मंदिर बनाएंगे, आरक्षण को डिस्टर्ब कर दिए। उस समय लालू यादव ने अडवाणी जी का रथ रोक करके उसको समाप्त किया, लेकिन फिर जब ये पूर्ण रूप से सरकार बनाए तो आरक्षण को फिर समाप्त करने की साजिश कर रही, केंद्र से आरक्षण को धीरे 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 सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं, आरक्षण बिना समाप्त होता जा रहा है और अपने सरकार ने एक संशोधन कर लिया कि सरकार के पास एक अधिकार होगा कि जिसे चाहे वो आई एस बना लेगी, अगर उसकी योग्यता पढ़ाई लिखाई अच्छी है तो अपने आधार पर। उसने आई एस बनाना शुरू कर दिया, मनोज तिवारी का भाई बन गया आई एस, ओम बिड़ला जो हमारे अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनकी लड़की अध्यक्ष बन गई और हम लोगों का आरक्षण समाप्त कर, चयनित लड़के आई एस के वापस कर दिए गए कि आपकी बैकवर्ड लड़कों के साथ हो गया, या आपकी आय अधिक है, आपकी आय अधिक है आप उसमें नहीं जा सकते हैं, जो नियम बनाया गया उसी के अंदर रह सकते हैं, तरह तरह के नियम बना करके उनको वापस कर दिया गया, चले आए। हमारे बैकवर्ड भाई अभी तक जान नहीं पा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही। तो 1953 से लगाया 1989 तक तो किसी तरह संघर्ष करके हम लोग पाए और फिर उसके बाद समाप्त कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो फिर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो पुनः हम लोगों को भ्रमित करने के लिए फिर आरक्षण को अनुप्रिया पटेल, यादव जी, फलाजी का मंत्रिमंडल बता रहे कि आरक्षण के आधार पर बैकवर्डों को मंत्री बनाया गया, एससी को मंत्री बनाया गया। रोज चुनाई दे रहा पेपर, आप भी पत्रकार देख रहे हैं, रोज तमाशा मचाया जा रहा है कि इनको हटा के उनको बना दिया गया, उनको हटा के उनको बना दिया गया, हमको आपको अधिकार दिया जा रहा है, आपको अपने आपको असीमित अधिकार दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है। वह बात बताने के लिए हम लोग, इसलिए हम लोगों का चयन किया गया कि आप असली बात बताइए गाँव में जाकर के अपने लोगों को, उनको बताइए कि संविधान खतरे में, आपका आरक्षण खतरे में। हम मानते हैं कि गरीब सवर्ण में भी गरीब लोग, उनको तो आरक्षण 3 दिन में दे दिए, एक रात में संविधान सभा बैठा करके चीफ जस्टिस के माध्यम से आपने दे दिया अधिकार, तो कोई आपत्ति हम लोगों को नहीं, उनके भी गरीब हैं। लेकिन हमारे संविधान हम लोगों की आबादी 60% है, जनगणना करने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि सबकी जनगणना करा ली जाए और जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जाए। आप तैयार नहीं हैं, आप पेड़ का, बकरी का, भैंस का, कुत्ता का, बिल्ली का जनगणना करा रहे हैं, हमारी जाति गणना आप नहीं करा रहे, आप जाति जनगणना करा दीजिए, हमारा हमको नहीं आता, सबको दे दीजिए। तो हम ये जगाने चले अपने लोगों को जो सो रहे हैं, इसीलिए हमारा चयन किया गया कि आप जगाइए लोगों। हमारे बीच में जखनिया विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं भानु जी, आइए इनसे जानते हैं। सर, आज इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो बूथ प्रभारी और आपके सेक्टर प्रभारी थे उनको मजबूत करने का था या
चुनावी रणनीति? देखिए चुनावी दौर तो चल ही रहा है, वहाँ 4-5 महीना जब भी 5-6 महीने में चुनाव हो जाएगा, उसी के तहत हम लोग हर सेक्टर वाइज कार्यक्रम लगा करके उसी आज बाहरी आबाद में कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सभी सेक्टर प्रभारी के साथ ही आए थे, बूथ प्रभारी आए थे, उनसे हम लोग आमने सामने बात की कि हमारे बूथ पर क्या समस्या, सेक्टर में क्या समस्या है, क्या चल रहा है, यही कार्यक्रम के तहत हमने बताए, अपनी बात भी रखे। हम जहाँ आज भाजपा सरकार पिछड़ा दलित को भरमा करके 15 लाख की बात कर लीजिए, चाहे तो नौकरी की बात कर लीजिए, तो तमाम तरह का देख करके इन्होंने सरकार में तो आ गए। महंगाई देख ही रहे, महंगाई चरम सीमा पर, तो इन सब बातों को बताने की जरूरत है। अभी आप देखे होंगे कि झोला बांट रहे हैं, अब अखिलेश जी जब लैपटॉप बांटे तो यही लोग कहें कि आवारा बना रहे हैं बच्चों। आप लोग सुने तो झोले में तो राशन भी दिया जा रहा है गरीबों को। अच्छा, तो झोला में राशन दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो राशन कितने रुपये का है, कितने का राशन है? 5 किलो, 5 किलो राशन का दाम कितना होगा? हमारे कार्ड धारक हैं भाई बैठे, 5 किलो गेहूँ का दाम 10 रुपया, 10 रुपया तो दे करके आप इतना प्रचार कर रहे हैं, इस चीज पर विचार करने का। गरीब जन कल्याण अन्न योजना नहीं है, ये प्रचार योजना है, इसका आपका कहना है? ये प्रचार का, वो भी लूट रहे हैं गरीबों को, उनकी चीनी बंद कर दिए, उनका मट्टी का तेल बंद कर दिए, कहाँ कौन ले गया ये तेल, कहाँ गए, पूछ रहे हैं कि कहाँ गया उनका चीनी चाहे मट्टी का तेल, कहाँ गए? तो ले लिए और ले करके ऊपर से कर रहे हैं जो कि जो बांटा जा रहा था उसी को कर रहे हैं कि हमको कितने का हुआ, बताइए कोई तरीका है? गरीबों के साथ मजाक हो रहा है और सब लोग जान गए हैं, पूरे सब लोग, चाहे जात की बात करें, चाहे धर्म की, चाहे मजहब की, मंदिर की बात करें, तमाम समस्याएं साथियों सबको जानने की जरूरत है। और इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है, जो कि हर जात धर्म मजहब को लेकर एक माला में गूंथ करके सबको चलने का काम करते हैं, ऐसी सरकार की जरूरत है।